सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, ईद का दिन है तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, लगारी साहब की तरफ से, बल्कि पूरे बोल नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो ईद का दिन है, हमने सोचा कि आज सिर्फ मैं और लगारी साहब ही क्यों बात करें आपस में। हम ऐसा करते हैं कि स्टूडियो में किसी ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। तो जो गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो किसी किस्म के तारुफ की मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम उनसे पूछेंगे कि वो आखिर अपनी ईद किस तरह से मनाती हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा मेंबर्स इन असेंबली हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। और ना सिर्फ नुसरत साहिबा बल्कि उनकी पूरी फैमिली इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नुसरत साहिबा, पहले तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो और बहुत शुक्रिया आपने अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आई हमारे कहने पर। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, नज़ीर साहब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और वाकई आपके आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। तो लगाई साहब, बाकी मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन आप करा देंगे। मैं बताऊंगा, आपने आप जानते हैं सिंध असम्बली में अगर कोई आवाज़ उठती है, ऐसी आवाज़ जो न सिर्फ अरकान असम्बली को बल्कि गैलरी में बैठे हुए लोगों को, बल्कि टीवी स्क्रीन पर सुनने वाले लोगों को भी चौंका देती है, वो आवाज़ नुसरत सहर अब्बासी की आवाज़ है। और जब वो बोलती हैं पूरे घन ग्रज के साथ बोलती हैं, पूरे कन्विक्शन के साथ बोलती हैं, अपने अंदर से, इनर सेल्फ से बोलती हैं, और उनका बोलना इतना इतना जानदार और इतना शानदार होता है कि उसको न सिर्फ उनके अपने बेंच के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बल्कि दूसरी बेंच की तरफ बैठे हुए लोग और जो जो ऐवान में दूसरी तरफ लोग बैठे होते हैं वो भी उसको बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और उनकी बातों को बहुत ही अच्छा समझ भी रहे होते हैं और जान भी रहे होते हैं। और जो बाकी लोग बैठे होते हैं ऐवान के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, जर्नलिस्ट बैठे होते हैं और गेस्ट बैठे होते हैं, वो भी बहुत तवज्जो से सुनते हैं। और मैं जब स्क्रीन पर हूँ तो फिर स्क्रीन पर तो छा जाती हैं, अगर हमारे टॉक शोज़ में आती हैं तब भी उनका एक अपना एक अंदाज़ है बात करने का। लेकिन आज हमने सियासत को तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होना चाहिए और कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नहीं कहते हैं कि जी सियासत पर बात नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए सियासत पर बात, लेकिन आज हम ईद की बातें करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी हमारी बहन, इनके साथ बैठे हुए हैं जनाब शब्बीर रज़ा अब्बासी साहब, इनके शौहर हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं मेरे साईं हैं, मेरे साईं हैं। आपको तो पता है कि शौहर को साईं हमारे सिंध में आपके यहाँ साई बोलते हैं। मैंने एक बात और नोट की है जो बहुत ही काम की, मैंने अब तक यही सुना था कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, मुझे आपकी तमाम कामयाबियों के पीछे शब्बीर रज़ा अब्बासी का हाथ है। बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कैसा है बिल्कुल ऐसा। मैंने नहीं देखा है, बहुत कम ऐसा होता है कि शौहर पसे पर्दा रहकर इतना सपोर्ट करें, इतना आगे ले आए और इतना वो पूरे के पूरे गेम के अंदर वो उनका एक मरकजी किरदार भी होता है और वो उनके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और उन्होंने जिस तरह से एक खातून को और अपनी वाइफ को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया, साथ लिया और साथ लेकर उन्होंने फैमिली को भी देखा, इनको भी देखा, इनके कामों को भी देखा और इन्हें इतनी फुर्सत भी दी, इतना स्पेस भी दिया। सबसे बड़ी बात सिंध की सोसाइटी में तो बड़ी बात ही ये होती है कि आप खातून को स्पेस दें, इनको बहुत बड़ा स्पेस मिला। शब्बीर साहब, हम आपको सलाम भी करते हैं और हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी को बहुत बड़ा स्पेस भी दिया। सबसे पहला स्पेस तो खानदान से मिलता है। साथ में बासित बैठे हैं, बासित रज़ा अब्बासी, बहुत खुशी होगी आपको ये जानकर कि इन्होंने यूके से ग्रेजुएशन किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पर इन्होंने 5 साल रहकर अपनी तालीम को पूरा किया है। अब पाकिस्तान आए हुए हैं
अब इनका इरादा क्या है ये भी जानेंगे कि वापस यूके जाकर मास्टर करेंगे या पाकिस्तान में ही रहेंगे। एमन बैठी हैं साथ में, एमन इनकी बड़ी बेटी हैं और जाहिर है वो उनकी तालीमी मसरूफियात होंगी, उन पर भी बात करेंगे। और साथ में तूबा रज़ा अब्बासी बैठी हैं जो इनकी छोटी साहबजादी हैं, इनसे बात होती रहेगी। और हम जाएंगे नुसरत सहर अब्बासी। बिल्कुल लगाई साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि बड़ा दबंग किस्म का ये जब भी असेंबली में बोलती हैं तो बड़े दबंग अंदाज में बोलती हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या घर में भी इनका वही दबंग अंदाज होता है या घर में जरा थोड़ा सा यू नो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। नहीं यार, घर में तो घर में एक औरत माँ बन जाती है, बीवी बन जाती है और मासी बन जाती है, तो मैं तो हम वैसे ही बन जाती हूँ। मैं नहीं कहती कहीं बैठ के कि भाई मैं तो घर में कुछ नहीं करती, मुझे अंडा देगा इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बोलते रहे। मैंने अभी आप गवाह है, मेरा बेटा बैठा हुआ है माशाल्लाह, आज इसने इसके रोजे चल रहे हैं क्योंकि ये 10 रोजे रखता है जब तक ईद का खैर से दिन आए। तो इसके मैंने अफतारी बनाई अपने हाथों से, जल्दी जल्दी पकौड़े बनाए, मुझे कहीं और जाना था तो मैं किचन में थी। तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे हमें अंडा भी नहीं उबालना आता, हमें ये भी नहीं करना आता। यही चीज़ है कि हम बाहर एक वर्किंग वूमेन अगर किसी भी तरह, जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, तो अपने घर में भी अपना वही किरदार अदा कर रहे होते हैं और घर के बाहर भी। लेकिन हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि एक परसेप्शन बना दी जाती है कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या वो एंकर हो, तो घर के कामों से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं भाई, मैं सबको बताना चाह रही हूँ और हम अपनी बच्चियों को भी इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं, और जितनी भी वर्किंग वुमेन्स बेटियाँ बच्चियाँ होती हैं, जैसे लगारी साहब ने मेरे हस्बैंड की तारीफ़ की, तो ये है कि अगर घर में बाप भाई बेटा या शौहर किसी भी अपनी बेटी बहन माँ को बीवी को अगर स्पेस ना दे, उसको कॉन्फिडेंस ना दे, उसको बैक ना दे, उसका साथ ना दे, तो कोई नुसरत सहर अब्बासी इस तरह इस पोजीशन पे आना बहुत मुश्किल है। तो नो डाउट इनके बगैर और फैमिली अच्छा, के बड़े बड़े ऐवान हिल जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो जब आप बात करें तो जाहिर है कि सामने स्पीकर की चेयर से लेकर ट्रेजरी बेंच के में वज़रा सब जो हैं वो बहरहाल उनको ये अंदाज़ा तो हो रहा होता है कि कौन खिताब कर रही हैं और किस तरह से खिताब कर रही हैं। घर में भी ये तर्ज अमल होता है जब खिताब कर रही हूँ, आप बताएं बासित, जब हम घर में बात कर रही हूँ तो कैसा लगता है? घर में बात कर रही होती हैं तो ज़ाहिर है माँ बन जाती हैं, फिर माँ का प्यार भी होता है, माँ का गुस्सा भी होता है और माँ का ख्याल, वही उसी उसमें ख्याल ही होता है सारा। कि अब जैसे एक बेटा हो, जैसे मैं हूँ, और 5 साल बाहर रहा हो और घर से दूर रहा हो और माँ से दूर रहा हो, और ऐसी एज में रहा हो जिसमें बच्चे माँ के बहुत करीब होते हैं और वो ग्रो हो रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर माँ से दूर हो तो फिर माँ का प्यार भी उनकी उस बेटे के लिए भी बढ़ जाता है और बेटे के लिए भी उनकी माँ का प्यार बढ़ जाता है। अच्छा शबीर साहब, एक बात हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको इतना पस मंज़र में रहना पड़ता है, एक बहुत बड़े लाइमलाइट में, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ग्लैमर में, और पॉलिटिकल ऐसा कि अब आपको अंदाज़ा होता होगा कि सिंध में जब ये बाहर निकले तो आपको तो शायद कम लोग जान रहे होंगे, इनको सब जानते होंगे, कैसा लगता है इनके साथ ट्रैवल करते हुए या घर में इनके साथ आपका तर्ज अमल कैसा होगा, इनका तर्ज अमल क्या होता है? खुशी होती है, मेरी वाइफ है और मुझे भले कोई नहीं जाने और मैं पहचान करवाता भी नहीं हूँ अच्छा अपनी कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, इनके साथ भी होता हूँ किसी को पता नहीं होता कि कौन है इनके साथ, तो खुशी होती है, जाहिर वाइफ है मेरी। इसीलिए हम चाह रहे थे कि आज जरा लोगों को भी पता चले ना कि ये जो एक बात की जाती है ना हर काम। अच्छा, ये जिस तरह से लग रहा था है कि बहुत सख्त अंदर कोई एक डिक्टेटर इनके अंदर कोई बैठा हुआ है, इस तरह का नजीर साहब आपके मुंह से डिक्टेटर का लफ्ज मैं चल रहा नहीं, सॉरी इसको एक्सपेंस जस्ट लाइक एक्सपेंस कर दिया जाए। नहीं नहीं, अब हाँ जी, मैं इसको डिक्टेटर का लफ्ज वापस लेता हूँ, इस तरह का कोई और लफ्ज होना चाहिए। वो लफ्ज ये कि एक बहुत सख्त मिजाज, जब असेंबली में बात कर रही हूँ तो अपने स्टैंड पर इतनी फिर्म होती है कि लगता है कि जनाब इन्होंने पूरी स्टडी करके बात की। घर में इस तरह का जो इनका स्टैंड होगा बाज़ चीज़ों के ऊपर इतना सख्त स्टैंड होता है, अहमन आपको अंदाज़ा होगा, बड़ी बेटी हैं, आप कैसा लगता है अपने घर में? बाहर की टेंशन घर में उतारी उतारी जाती है। अच्छा ये सच बोल रही है। अच्छा घर बेटियों पर ज्यादा असर होता है ना हर चीज का, जो बाहर के जो भी टेंशन और जो भी स्ट्रेस सर्वे होता है वो सब घर में आके हम स्ट्रेस होता है बाहर आपके ऊपर ज्यादा होता है। अच्छा उसमें भी सबसे ज्यादा आप पर होगा क्योंकि घर में बड़ी आप हैं,
और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट भी बड़ी बेटी होती है। हम भी घर में होते हैं तो हमारी भी बड़ी बेटी हमसे ज़्यादा बातें सुनती थी। और बड़ी बेटी का एक दो तीन चीज़ें होते हैं, उसका ज़र्फ बड़ा होता है, उसका अप्रोच बहुत बहुत अच्छी होती है और बहुत विजनरी होती है, और माँ की तवक्कात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी माँ को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कात होती होंगी। बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कैसे हैंडल करती हैं फिर? कोशिश कर रही हूँ कि उनकी तरह ही सब कुछ हैंडल करूँ, मतलब अगर वो बाहर होती हैं तो कोशिश करती हूँ कि घर में सब कुछ संभाल दूँ ताकि वापस आके इनको टेंशन ना हो। बस तुबा, आपको कैसा लगता है स्टडी में या माँ के साथ डील करने में या बाबा के साथ डील करने में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा आसानी से लगती है? अच्छा, इनकी बातें सुनते हैं, हम बैठकर पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, एक ये रवैया होता है। दूसरा ये होता है कि चलें बाबा के साथ बैठ जाते हैं, अम्मी की बातें नहीं सुनते हैं, तो ऐसा भी होता है, या ये होता है कि भाई हम ये भी करें वो भी करें ये भी करें, कैसा होता है? हम मतलब बातें तो सभी की सुनते हैं, क्योंकि फैमिली में ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सब साथ मिल के ही सॉल्व करते हैं, साथ मिल के ही बात करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक के मतलब मैं छोड़ दूँ कि भाई जो भी हो रहा है होने दो, मैं पढ़ लेती हूँ करके, ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, मेरा ख्याल है भाई साहब आज ईद भी है, तो ज़रा ईद का भी पूछते हैं कि ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा तजस्सुस होता है कि पॉलिटिशियंस की ईद किस तरह से। हाँ बिल्कुल, और बल्कि ज़्यादा होता है उनको, ज़्यादा होता है कि ये तो पता नहीं ईद मनाते भी होंगे पता नहीं, या वहाँ इनकी ज़िंदगी में पता नहीं सिर्फ ये मसाइल हैं और इशूज़ हैं और हल करना। देखो ईद, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमारी भी फैमिली है, ख़ानदान होता है, खुशी भी होती है, गमी भी होती है, शादियां भी होती हैं, बात भी होती है, सब कुछ होता है। तो लोग शायद ये समझते हैं कि हम इस सबसे बड़ी जिम्मा हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो ईद है, और इस दफ़ा ईद तो थोड़ी दूसरी ईदों से बहुत सा थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि कोरोना ने आकर हमारी ज़िंदगियों को ऐसा कर दिया है कि हम खुद सोच रहे हैं पॉज बटन, पॉज, लेकिन पॉज नहीं होना है ना, हमें तो आगे बढ़ना है, तो वही सिलसिला चल रहा है। हमारी जो बकरा, ये जिसको हालांकि है तो ये बकरा ईद बोला जाता है, हालांकि यहाँ गाय भी ज़िबा होती है, ऊँट भी ज़िबा हो रहे होते हैं, सब कुछ हमारी वैसे बकर अरबी में बकर अच्छा ये कहा जाता है। तो हम लोग भी अपने 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 इलाकों में जाते हैं, अपने वहाँ पर कुर्बानी का जानवर पहले ख़रीद लिया जाता है, फिर उसको पहले दिन कुर्बानी की जाती है, और मैं खुद करती हूँ, यानी गोश्त मैं खुद बांटती हूँ। अब्बासी साहब बाहर हमारी उताके होती है, नजर नाजी साहब को, लगारी साहब को पता है कि उताकों में ये सारा सिलसिला होता है, कसाई आया सुबह ही सुबह, वो सारी कुर्बानी हो गई, फिर गोश्त अंदर भेजा जाता है, फिर अंदर आता है, फिर वो नीचे बड़ी एक बिछाई जाती है जिसको प्लास्टिक कह दें या चटाई कह दें, फिर मैं खुद बैठती हूँ, ऐसा नहीं मैं खुद बैठती हूँ, मैं खुद तीन हिस्से करती हूँ, और उसके बाद बच्चे लाजमी इनको भी ये चीज़ हम इनमें ये डाल रहे होते हैं कि आज हमने ये कल आप हैं, आपको ये सारा सिलसिला चलाना है, तो वो तीन हिस्से बनाकर और उसके बाद फिर वो सबको पर्चियां डाल के एक एक को कि बेटा ये इसको ख़ास तौर पे बासित, खैर से ईदों पे तो आ ही जाते हैं बच्चे बाहर से भी, तो इसको पकड़ा और ये इसको, ये बड़ा बहुत मुश्किल मरहला लगता है कि माँ ने अब गोश्त दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करना, अब जाओ बेटा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो बासित फिर जाता है अपने कज़न के साथ मिलकर सारे मोहल्ले में। और तो शबीर साहब, आपकी कोई ख़ास फरमाइश होती है ईद के दिन के ये बेगम के हाथ का खाना है बना के खिला? सच्ची पूछें तो फरमाइश मैंने 20 साल हो गए शादी के, 21 साल कोई नहीं फरमाइश करना छोड़ दी, फरमाइश नहीं छोड़ नहीं, मेरे बचपन से ही है। अच्छा, आदत जो मिल गया बिस्मिल्लाह। हाँ ये वैसे ये बता दूँ ये कि मैं वो खातून हूँ, कोई नहीं है, वो बीवी हूँ जो कहते हैं ना कि वो मैदे के जरिए शायद कोई हो जाता है, दिल में पहुँच जाते हैं मैदे के जरिए, लेकिन ये मुझे इतना मुश्किल नहीं हुई इनको खाने पीने के हवाले से, इनके आगे जो रख दियो बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं, तो मैंने कभी जला दिया या कुछ भी कर दिया या कुछ कर दिया, तो इन्होंने कभी चीखो चिल्लाया नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है ये जैसा दे दिया वैसा बिस्मिल्लाह करके खा लिया। राज के अंदर कोटी जी का किला है या कोटी जी का शहर है? क्या बात है, अब वो इनसे पूछे कि इनके मिजाज में कोटी जी का किला भी बेचारा, उसको बहुत ज़रूरत है मजबूत होने की, तो लेकिन जाहिर है कोटी जी का किला एक अपना रोग रखता है, उसकी हिस्ट्री आप दूर से आप देखते हैं, कोटी जी के लोग वाकई में मजबूत और मेहनती लोग हैं। हाँ, चूंकि मिजाज भी होता है, मिजाज भी है, जाहिर बात है, किले का मिजाज और किले का अंदाज, एक तरफ ये पत्थर दूसरी तरफ रेगिस्तान है, हमारा तो घर
टेले पे बना हुआ है, यूं समझे जी जी, रेगिस्तान ही है, रेत के टेले हैं पीछे, और पीछे चोलिस्तान अपना, जैसे हमारे उधर भावलपुर में चोलिस्तान है, यहाँ थरपारकर का जितना भी हमारा कोटडी जी सहरा है, उसके पीछे जी नारा चुंडको तक ये सारे सारे का सारा जो है वहाँ सहराई इलाका, आपकी तरफ पीछे की तरफ सहरा इलाका है, वो सहरा इलाका है, सहराई लोगों का मिजाज और साथ में किला, ये तो बड़ी कमाल का मिजाज होता है, पहाड़ का मिजाज भी होता है और सहरा का मिजाज। किला आपको देखा हुआ पहाड़ पे बना हुआ है, इसको हम बचपन में सर भी किया करते थे, पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे। अच्छा अहमद, आपके पास तो अपनी सहेलियाँ आती होंगी, रिश्तेदार कजन्स आती होंगी, उनके साथ बैठते होंगे, तो कैसा लगता है ईद पे स्पेशली? क्योंकि हम लोग अपने हलकों में चले जाते हैं, तो उधर तो इतनी फ्रेंड्स हैं नहीं मेरी, तो कजन्स ही ननियाल वाले साइड पे हम जाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे कजन्स के साथ ईद स्पेंड होती है बस। एक कम्प्लेक्स होता है कि आपकी अम्मी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सुबह असम्बली के मेंबर हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और लोग ये भी तवक्को करते हैं कि हमारे बड़े मसाइल होंगे ये भी हल कराएंगी, क्योंकि ये हर चीज़ बोल लेती, आपसे भी लोग तवक्को आ सकते हैं? मुझसे किया करते हैं, मतलब बहुत कम लेकिन करते हैं, और फिर मैं मम्मा से पूछती हूँ तो जो हो सकता है इनसे वो कर देते हैं। वैसे क्या इरादा है आगे पॉलिटिक्स में आना? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं। आप खुद क्या कर रही हैं? मैं IR इंटरनेशनल IR जो है वो आप मास्टर कर रही हैं? नहीं, अभी मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है, गुड। और आप सुबह क्या कर रही हैं? मैं ओ लेवल्स कर रही हूं। ओ लेवल कर रही हैं। तो आपका है इरादा पॉलिटिक्स में आने का? तो आपके बच्चों में से किसी का भी प्लान अभी तक तो कोई नहीं है, वो छोटी से उम्मीदें हैं मेरी बहुत, वो छोटी के मेरे उस पे आ जाए, उसमें थोड़ा बहुत मुझे दिखता तो है। मैं इंटरव्यू कर रहा था श्रीलंका की प्रेसिडेंट का, चंद्रिका कुमारकंगा का, तो वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को सियासत में नहीं आने दूंगी, और हम ये कह रहे थे, मेरी बेगम साथ थी, वो कह रही थी कि नहीं भाई, बच्चों का अपना चॉइस होगा, वो खुद अपनी चॉइस के बारे में खुद ही फैसला कर सकते हैं। तो इस वक्त बच्चों को इतनी चॉइस ये लग रही है कि नहीं सियासत नहीं करनी है, नहीं करनी है, या सियासत पसंद नहीं है, क्या सियासत अच्छी नहीं लगती है, या सियासत थोड़ी सी मुझे डेंजरस लगती है, क्योंकि और जिस तरह मम्मा हैंडल कर रही हैं वो बहुत मुश्किल है, मतलब आई डोंट थिंक कि हम में से कोई वो, आप तो देख रहे हैं कि 15 साल से पोजीशन में खड़ी हुई हैं और बिल्कुल स्टैंड लेकर खड़ी हैं, जिस तरीके से वो हर किसी के सामने ऐसे खड़ी हो जाती हैं, तो आई डोंट थिंक कोई भी कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते। अच्छा बासित से मैं पूछना चाहती हूँ, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? कोई भी नहीं, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी नहीं। अच्छा फेवरेट पॉलिटिशियन कौन? अभी तक कोई भी नहीं। मामा भी नहीं? मामा पॉलिटिशियन हैं, बट इन रिगार्ड टू प्लेइंग अ पार्ट इन द कंट्री, मम्मा का जो पार्ट है अपोजिशन का पार्ट है, तो मम्मा गोज अगेंस्ट द लॉज के जो बोल रहे होते हैं आगे, उनके अगेंस्ट आने वाली चीज़ कि हाँ जो बात हो रही है वो गलत तरीके से हैंडल हो रही है, तो मम्मा को हैंडल करना है और मम्मा को उसको बेहतर स्टैंड लेना है। बट जब मम्मा इन रिगार्ड से उस पोजिशन पर आएंगी, तो ऑब्वियसली एक बेटे के लिए उनकी माँ सबसे बड़ी हीरो होती है, और मेरे लिए फ्रॉम बर्थ टू अप टिल नाउ शी इज माय हीरो एंड अनटिल डेथ प्रोबब्ली शी विल बी माय हीरो। नहीं तो आप शादी के बाद आई पॉलिटिक्स में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो कुछ भी नहीं था, माँ बाप नहीं, अलाव की बात ही नहीं, मेरे बाबा तो इतने माशाल्लाह, उन्होंने मेरे बाबा जब तक जिंदा रहे तो मुझमें, मैं स्पोर्ट्स वूमेन रही ज़्यादा, और हर चीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करने का शौक था, मेरे बाबा मुझे हर चीज़, यानी उस वक्त की बात बता रही हूँ, नज़ीर साहब को पता है कि बच्चियों को इतनी इजाज़त नहीं होती थी कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे भी जाएँ या मुल्क के किसी और कॉर्नर पर भी जाएँ, खौफ होता था, डर बच्चियों का, अकेले नहीं। मेरे बाबा उस वक्त मुझे परमिशन दिया करते थे, मैं स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस में मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी, सेंट लेवल पे खेल रही थी, तो मेरे बाबा मुझे भूर बन पता नहीं कहाँ का परमिशन दे दिया करते थे, हालांकि गांव से थे, बिल्कुल एक गांव के एरिया से आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पूरी उस फैमिली में पॉलिटिक्स नहीं थी, पॉलिटिक्स तो इनके ख़ानदान में थी। अच्छा। सॉरी, तो ये खुद इन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया? बहुत, मेरे फादर इन लॉ अल्लाह बख्शा बासी मजलिस शूरा के मेंबर रहे, आई एम सॉरी, और वो पी साहब पागारो शाह मरदा शाह, उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, तो जब और उनको शौक था मेरी एक बहू वकील हो, मैं तो बाय प्रोफेशन वकालत से मेरा ताल्लुक़ है, तो उनको बहुत था कि मैं वकील हूँ, MP तो मैं बाद में बनी। आई एम सॉरी, शब्बीर साहब कभी खुद दिल नहीं किया कि आप ही पॉलिटिक्स में आते?
शायद मैं जैसे ये खुल के बात करती हैं, मैं मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बाबा ने इनको भी देखा, और पहले तो मैं कॉलेज के ज़माने में जो थे पॉलिटिक्स में, वाले साहब की तरफ से भी वो शुरू से ही हैं, पाकिस्तान से पहले से फातिमा जिन्ना के साथ रहे, कायद आजम से तो जब छोटे थे स्टूडेंट लाइफ में, अलीगढ़ से पढ़े तो उस वजह से वो रहे हम मुस्लिम लीग में ही हैं शुरू से। मुस्लिम लीग में रहे या ये कि पीर पगारा की, क्योंकि वो पीर पगारा तो बाद में आए, पीर ये फातिमा जिन्ना वाली जो मुस्लिम लीग थी वही हैंड ओवर हो गई पीर साहब को, वही तसलसल चल रहा है आज तक। और मेरे फादर इन लॉ ने बिल्कुल भी इस चीज़ से हटे नहीं, वो हमेशा इनके साथ रहे पीर साहब के साथ, और इसी मुस्लिम लीग में ही रहे। मेरी शादी होकर आई तो फिर उनको मुझ में शायद ऐसे नज़र आ गए जरासीम के ये कुछ, क्योंकि मैं जो उनके साथ जाती थी वकालत, हम ये भी एक मिसाल है कि एक फादर इन लॉ एक ससुर अपनी बहू को, और बहू और ससुर साथ जा रहे हैं कोर्ट जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस देते, हर केस के बारे में बैठकर हम डिस्कशन करते थे और उस पर बहस होती थी। तो उन्होंने फिर देखा शायद मुझ में कुछ, उन्होंने कहा कि तुम्हें सियासत में आना चाहिए। अब देखिए उनकी पूरी फैमिली, 8 बेटे उनके, बेटियाँ सब डॉक्टर्स या कुछ, लेकिन उनको मुझ में ही वो चीज़ नज़र आई कि इसको मुझे आगे ले जाना है, और उन्होंने फिर मुझे पीर साहब के साथ मिलाया, मैं आज सियासत में आप लोगों के सामने। खाने में क्या पसंद करते हैं बसत आप, कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी? मामा की याद। मैं बाबा पे गया हूँ। अच्छा, आपकी कुछ चॉइस नहीं है? हाँ एग्जैक्टली, कि जो भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज अब जैसे मैंने शुरू में बोला कि बाहर रहा हूँ तो वहाँ पे खुद बनाना पड़ता था, तो खुद बनाना सीख लिया था, पर वहाँ पे फरमाइशें तो नहीं होती वहाँ पे, तो जो बंदा क्योंकि हलाल ढूंढना पड़ता है एंड एवरीथिंग, वो एंड ही इज़ अ पिटेरियन, ये पिटारो से यहाँ से पढ़ा है और माशाल्लाह यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट है यहाँ पाकिस्तान में, कैडेट कॉलेज पिटारो, हाँ तो इसकी ट्रेनिंग तो वही सारी हुई हुई है, और फिर यहाँ तो खैर बड़े लोग हैं। बस हम छोटे लोग भी पिटारो से हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, पिटारियन होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। जो बच्चे अकेले रहते हैं ना वो बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। इसका माशाल्लाह ये है कि फिर सारी इनकी जिंदगी में उस तरह की लाइफ आ जाती है। तो ये अमन आप खुद क्या अच्छा पकाती हैं? मैं अभी सीख रही हूँ, और मैंने अभी रिसेंटली कढ़ाई, वाइट कढ़ाई अच्छी बनाई है, तो अभी प्रोसेस में है, आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। तो घर में अम्मी तो होती नहीं है आप? हाँ, मैं यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ। सुन लिया ना, इनसे कहती हूँ बेटा कुछ सीख लो या कुछ कर लो। अब तो आजकल कोरोना की वजह से सबने अपने अपने कुक्स और उनको छुट्टियाँ दी हुई हैं ना, तो अब लाजमी इन पर बर्डन आ गया है। तो मैंने कहा कुछ हाथ भी जला दिया उसने, पहला काम तो ये होता है ना घरों में, हम लोगों के निशान पड़ जाते हैं बेटियों के, इसका पहला ही तो ये कहो, तो हम मामा मुझे सब कुछ कर लूँगी, सब कुछ कर लेंगे तो फिर सामने वो रखा हुआ है वो चल रहा है, फिर उसी को देख के डाल रही है सीख रही। आजकल ये आसानी हो गई। तो बारबेक्यू वगैरह के प्लान बनते हैं बासित, क्योंकि लड़के लाजमी करते हैं बारबेक्यू हर साल ही तकरीबन। हमारा तो पिटारो का जैसे ग्रुप है तो हम लोग तो आपस में एक दूसरे को सगे भाइयों की तरह ही समझते हैं, तो दोस्त नहीं होते भाई होते हैं, किसी के भी घर कभी भी चले गए जैसे भी टाइम मिला और चले गए। तो बारबेक्यू इन ईद तो एक ईद उल अज़ा में स्पेशली एक अलग ही एक त्यौहार की तरह टाइप होता है, कि ऑब्वियसली इस साल पैंट्री थोड़ा डिफरेंट होगा, तो घरों में जाने से वैसे भी हम लोग थोड़ा परहेज ही करते हैं, अवॉइड करते हैं, कि ऑब्वियसली SOPs को फॉलो करना इज़ वन थिंग एंड बिल्कुल। अभी लगाई सब हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से नाजिन जब हम वापस आएंगे तो फिर इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजीन, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं नुसरत साहिबा बासी साहिबा के साथ, उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा नुसरत साहिबा, कहा जाता है कि बेटे जो होते हैं वो माँ से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और बेटियाँ बाप से ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज़ कौन है बच्चों?
मुझसे तो खैर तीनों बच्चे ही ज़्यादा क्लोज हैं, बाप से थोड़ा सा इनका फासला है। अच्छा, सीरियसली? लेकिन बाकी सही कहते हैं कि बेटे ज़्यादा क्लोज होते हैं। और बासित चूँकि दूर रहा है मुझसे ज़्यादा, छोटी सी एज से दूर रहा है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा वो करती हूँ। लेकिन मैं वो माँ नहीं हूँ कि बेटियाँ भी सुन रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं करती भाई, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और हम लोगों ने यही मिसाल एक देनी होती है कि देखें वो ना हो कि अच्छा अच्छा बेटे को निकाल के दिया और बेटियों को कर दिया कि नहीं बेटा बेटा। और ये अक्सर इसी तरह का, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और हमने ये मिसाल, मैंने ख़ास तौर पर अपने बेटे की जो तरबियत की है ना, इसमें ये चीज़ डाली है और हर माँ को डालनी चाहिए कि घर से उसको इस चीज़ की हैबिट भी हो, उसमें आदत हो कि बहनों की इज्जत करो। बहनों की रिस्पेक्ट करोगे तो बाहर निकलकर हर खातून की रिस्पेक्ट करनी है, और यही होगा तो आगे जाकर वो इसी तरह अपने आप को लेकर जाएगा। और ख़ानदान से बाहर बाहर खवातीन की, औरतों की इज्जत करना, अगर हर माँ अपने बेटे को ख़ास तौर पर ये तरबियत करे ना, तो अल्लाह ना करे कि मैं देखती हूँ कि जिस तरह ख़वातीन के साथ तशद्दुद, हरास और इस तरह के होते हैं, तो इस तरह के मामला तभी होते हैं। ये घर की तरबियत होती है, अगर घर में तरबियत अच्छी होता है आपके साथ कैसे भाई का, क्योंकि इस क्वेश्चन पे सारे बच्चे हंस रहे थे। इनका और मेरा थोड़ा वो टॉम एंड जेरी टाइप रिलेशनशिप है। टॉम कौन होता है? टॉम एंड जेरी। हां, टॉम कौन है और जेरी ज्यादा? मैं हूं। नहीं, टॉम ये है, जेरी है। ये इन दोनों की देखती रहती है लड़ाई, भागम दौड़ी, उधर भागे घर में, वो उधर भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रही है, बेचारी देखती रहती है। तो ये सुलह कराती है, आप सुलह कराती हैं? यस, ये बेचारी नहीं, ये सिर्फ देखती है। तो आपकी नहीं होती बहन के साथ या भाई? इनसे होती है, उनसे नहीं होती। इन दोनों की मेरे मुझसे होती है। अच्छा, दोनों ये इसकी क्या खास वजह है? ये लड़ती है वो, ये मैं थोड़ी, आप बाबा के क्लोज हैं ज्यादा? मैं एक, हाँ नहीं, मैं मम्मा से ज्यादा हूँ। छोटी वाली बाबा से क्लोज है, छोटी वाली बाबा से बहुत क्लोज है। हाँ, वो छोटी बहुत क्लोज है बाबा। अच्छा, अम्मा है मेरी, अम्मा। अच्छा, अम्मा है। तो फरमाइशें होती होंगी पर बाबा से बहुत। तो ये कैसा लगता है जब आप लोगों की आपस में लड़ाई होती है, तो कुछ सुनाने के लिए भी होता है या नहीं? बस ऐसे ही कुछ, कभी डांट की आवाज आती है कमरे से कि जनाब मम्मी? डांट की तो तब भी आवाज आती है जब हम हल्की सी थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है हम लड़ रहे हैं, तो उस पे ही उन्होंने डांटना स्टार्ट कर देती है। बेटियों का अपने कमरे में आपस में ठीस ठूस लड़ी लो, जो भी मजाक चल रहा होता है, फिर मैं भागती भी जाती हूँ, क्या हुआ? तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये होता है घर में, बच्चों का तो ये सिलसिला है। जब जब मुझे टाइम मिलता है घर पहुँचती हूँ। वैसे कभी ऐसा तो नहीं होता है, डांटना डांटना डिपटना भी चलता रहता है, लेकिन अम्मी ज़्यादा डांट डिपट करती हैं या बाबा? बाबा कुछ भी नहीं कहते। बाबा बिल्कुल भी नहीं डांटते, मम्मा बहुत थोड़ी। अच्छा, बाबा के साथ क्लोजनेस भी नहीं है? थोड़ी सी है, लेकिन मम्मा से कंपेयर टू मम्मा से ज्यादा है। मम्मा से ज्यादा, मम्मा से डांट भी ज्यादा पड़ती है और मम्मा के साथ क्लोज। सब मम्मा, सब कुछ मम्मा घर में, मतलब। अच्छा, मैंने वही कहा ना जो पहले लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डोमिनेट भी करती है। हां देखा। अच्छा, लड़ाइयां होती हैं आप दोनों के बीच? हम दोनों की। अच्छा, अब ये मुझे बता दो, मुझे ये बताओ कि कौन सा, ये तो पता नहीं जो कहते होंगे, मैं कहती हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि किसी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक ना हो, लड़ाई ना हो। लड़ाई वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत होती है। हमारी लड़ाई होती है, मैं बताऊँ, हमारी शुरू शुरू में जब नई नई शादी हुई थी, ओ गॉड, हम दोनों का स्टार भी एक ही है ना। ये तो बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता दोनों का। अच्छा अच्छा, क्या होता था शुरू शुरू में, तो ना मैं झुक रही हूँ, ना ये झुक रहे हैं, ना मैं झुक रही हूँ, ना ये झुक रहे हैं। बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे जब उसमें, तो आखिर फिर ये हुआ कि मैंने इनको झुका के छोड़ा। अब तो झुके हुए हैं क्या? अब यही हुआ है कि मैंने कभी इनसे सॉरी नहीं की, यकीन माने ये है, और इन्होंने हमेशा मुझे मनाया है, और हमेशा आपकी भी गलती हुई तो मनाया, हमेशा इन्होंने मनाया, और मैं इनकी इस मामले में बाकी शुक्र गुजार। मुझे लगता है अब ट्रिब्यूट आप समझे, आप तो शुरू से ट्रिब्यूट दे रहे हैं, शुरू से सलाम पेश कर रहे हैं। तो आपको कभी होता नहीं है कि ये भी कभी सॉरी करें? हमेशा हाँ, शायद कभी दिल में, शायद ज्यादा प्यार मेरा है इसके साथ। वैसे जिसको ज्यादा प्यार होता है ना, वही सॉरी। एक दफा इन्होंने लंबी ले गए ना नाराजगी को,
इस आसरे में कि सॉरी करेगी करेगी, लेकिन आखिर फिर किया है लेकिन होता नहीं हुआ नहीं, फिर खुद ही सरेंडर कर लिया है, सरेंडर करना पड़ा। नहीं तो फिर जब सॉरी कर लेते हैं तो फिर आप फौरन मान जाती हैं या आप उसमें थोड़ी स्टबर्न रहती हैं? नहीं नहीं नहीं, बस मैं सिर्फ इंतजार कर रही होती हूँ, बस सॉरी बस बोले तो बस हम, क्योंकि इतना लंबा कौन घर में मियां बीवी चाहते हैं कि इतना कमखा में हो, जिस दिन उन्होंने सॉरी कर दिया उसी। अच्छा, बच्चे भी बीच में कभी पड़ जाते हैं, ये क्या आप लोगों ने कर रखा है? हाँ, बच्चे बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है, होता है, लेकिन हमने कोशिश की है लगारी साहब कि हमारा कमरे में ही रहे, जो कुछ जैसे हमारे माँ बाप थे ना, हमने तो कभी हमने देखा ही नहीं कि हमारे माँ बाप में कभी प्यार या जो भी है, बहुत पहले के माँ बाप बहुत ज़रा रिजर्व रहा करते थे, तो हमने भी उसी को देखा कि एक अच्छा माहौल है, पता ही नहीं है, पता नहीं किस वक्त माँ बाप आपस में प्यार है, मोहब्बत है, क्या है, तो यही चीज़ हमने भी कोशिश की कि माँ बच्चों को एक अच्छा माहौल देना चाहिए, उनको पता ना चले, उन पर इस तरह का कोई असर ना पड़े। वैसे तो हर किसी का बिलमूम किस बात पर होता है रबी ये कि जी अच्छा ये... हाँ होता यूँ है, मैं आपको बताऊँ, ये क्योंकि ये भी सियासी घराने से है ना, तो ये अच्छी बात है कि इनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ये हर कदम पर हर जगह मुझे अच्छी तजवीज़ देते हैं, सिखाते हैं, समझाते रहें शुरू शुरू से, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं बहस पे पड़ जाते हैं हम लोग, फिर वो जो बहस पे आ जाते हैं ना उसमें थोड़ी सी हो बात जाती बढ़ते, 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 बढ़ते फिर हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर लाजमी है मामलात होते हैं, कह रहे हैं बहस बढ़ते बढ़ते सिंध असेंबली बन जाती है, सिंध असेंबली के तो हमने अक्सर देखा है बड़ी नोकझोंक चलती है। हाँ नहीं नहीं, मुझे हर सियासतदान को ये सुनने को जरूर मिलता है कि भाई बस करो सियासत, वहीं छोड़ के आया करो, घर ना आया करो। घर में आती है पॉलिटिक्स आपके? ना तो बहस तो चलेगी ना हर चीज़, अगर हम आपस में इस चीज़ पर बाहर के इश्यूज़ पर या किसी पर बहस ना करें तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने कहा हो कि असेंबली के अंदर आपने ये जो बात की थी तो नहीं करनी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, ये बड़ी गड़बड़ बात की है, ऐसा हुआ? इनसे पूछ रहा हूं। नहीं, कभी कभी ऐसे होता है लेकिन अक्सर नहीं होता, सही करती है। अगर आप कभी ऐसे कहते हैं तो ये माइंड तो नहीं करती? नहीं, माइंड भी नहीं, नहीं नहीं, मुझे कई दफा ऐसा होता है, मैं इसलाह करता हूँ ना कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, ये नहीं, ये होता। और तुमने पूछा था कि ये अरेंज है या लव है, असल तो ये सवाल आ जाए इस तरह के सवाल, ये टोटली 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 अरेंज मैरिज है। टोटली पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ कि पहले तो ये होता था कि भाई चलो मतलब थोड़ा बहुत के दिखा दिया तस्वीर, मैंने तो इनकी तस्वीर भी नहीं देखी। अच्छा। थी हाँ, हालांकि मेरे मेरे घर वाले मेरे भाई। अच्छा, फैमिली एक ही है? नहीं, बिल्कुल हम अलग, ये पता नहीं कौन, हम पता नहीं कौन। अच्छा तो ये तो मैं दूसरी कास्ट से या आबासी इस तरह ये हुई। अच्छा, आप किस कास्ट से आबासी? मैं सियाल, ये आबासी। हाँ, और यूँ हुआ कि इनकी मदर और मेरी आंटी वो दोनों हेडमिस्ट्रेस थी ना, हेडमिस्ट्रेसों की दोस्तियों ने ये रिश्ता करा दिया, उनकी दोस्तियों ने ये रिश्ता, तो मैं तो मुझे तो मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती कहा देख लो देख लो देख लो, मैंने कहा तुमने जो भी किया होगा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, फादर की तो डेथ हो गई थी, मैंने कहा तुमने जो भी मुझे दिया अल्लाह की रज़ा है, जो भी मेरे लिए होगा तो मेरे अच्छा मेरे भाई, मेरा जो छोटा भाई है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है माशाल्लाह, उसने तो बाकायदा वो ड्रिल मशीन से सुराख भी कर दिया था दरवाजे में, बाजी अल्लाह का वास्ता देख लो, बाद में हमें ना कहना कि तुमने हमें क्या दे दिया, तो तब भी मैंने थोड़ा बहुत तो देखा था, लेकिन असल हमने जो देखा बहुत कैसे होता है मतलब जल्दी से देख के मैं हट गई थी, लेकिन इनको फिर मैंने इंगेजमेंट में देखा था, इंगेजमेंट में देख कर सोचो तुम, मुझे बताओ कि उस पर ना और उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने एक अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में दिया और इतने प्यारे प्यारे बच्चे। देखी थी पहले? हाँ, इन्होंने देखी थी, पिक्चर देख कर हाँ की थी आपने? नहीं, आपने भी कहा बस बड़ों ने जो फैसला कर दिया, पहले हाँ की हुई थी? नहीं नहीं, मैंने बस वालदा पे छोड़ दिया, वालदा पे छोड़ दिया, सबने वालदा पे छोड़ दिया। नहीं, पिक्चर देखी थी इन्होंने, ये क्या बात, पिक्चर दिखाई गई थी, देखी होगी, उन्होंने कहा होगा ठीक है मेरे ख्याल है। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल में एक वक्त ब्रेक की जाने पड़ना है। बिल्कुल नाज़रीन, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी है। नुसरत साहिबा, आपकी जितनी भी तकरीरें आप असेंबली में करती हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? मैं बहुत एक्टिव हूँ, रजी साहब को पता होगा, मैं तो मेरे ख्याल में हर 2-3 मिनट के बाद मेरी कोई पोस्ट जाती है ट्विटर पे, बिल्कुल ट्विटर पे। और नहीं, मैं दोनों पे हूँ, क्योंकि देखो हमें, हम जो है ना, हम ज़्यादातर हमारा जो कराची से लेकर कश्मीर तक, अगर कराची से निकलो तो हैदराबाद गांव, गोट, यूसी टाउन, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो फेसबुक को, बल्कि वो जो हमारे चौकीदार, माली, ड्राइवर जो है ना, उन सबके पास तादाद कम होती है ना आपके पास फ्रेंड, उसमें फ्रेंड्स की तादाद होती है, लेकिन ये कि उस जितना ट्विटर जो है उसके ऊपर ऑडियंस पढ़ी लिखी ज्यादा है ना ट्विटर पे, हाँ उधर डिफरेंट है उधर, तो हम, मैं उसी हिसाब से मैं दोनों को ही कर रही होती हूँ, ताकि इधर हमारा जो सिंध का पूरा रहने वाले लोग हैं जो हमें बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हालात बेहतर करने के लिए 2-3 क्या बड़ी बातें चाहेंगी कि ये हो जाए तो चीजें ठीक हो जाए? मैं बताऊँ सर साहब, मेरी सच्ची में जो पहला काम अगर मेरे हाथ में कुछ आया ना, तो मैं सिंध की पुलिस को बेहतर कर दूंगी। मैं सिंध में जो ये कानूनी तौर पर अमल दरामद है ना सिंध का, अगर ये बेहतर हो गया ना, इससे कनेक्टेड इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं, एक ये चीज़। और दूसरा, अगर अगर आप में काम करने का जज्बा है ना, अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप खुद फील्ड में निकल कर 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 आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो एक तो ये मैं पुलिसिंग का सिस्टम, इसमें सियासत निकाल दूँगी, एक तो ये चीज़। दूसरा, मैं अपने तौर पर जितना मुझसे हो सके ना, मैं कोशिश करके करप्शन को ख़त्म करूंगी। आप जाती तौर पर अगर निकलेंगे ना, जैसे मैं कुछ केसेस को खुद फॉलो कर रही हूँ ना, कुछ ऐसे मर्डर्स हुए हैं, जैसे ठरी मीरवा में हो गया, अब दो बच्ची, एक बच्ची का मर्डर हो गया, एक वजीरा जाम शुरू में हो गई, एक बच्चे डॉक्टर का हो गया, एक रेप केस हुआ है जो अभी एक टीचर ने किया है। अगर आप पर्सनली करेंगे ना फॉलो, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर जज पर एक इल्ज़ाम लगता है और फिर वो इल्ज़ाम आखिरकार यही होता है कि औरत को सरेंडर करना पड़ता है, और सरेंडर करने के बाद जज की जान भी छूटती है और वो अपने तौर पर वो आज़ाद भी हो जाता है। यहाँ इंसाफ का सिस्टम क्या देगा आपको जो सहमन में एक लड़की के साथ हुआ है? बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल। मौला का कॉल है कि मुनाफिकत से तो हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफी से नहीं चल सकती। तो नाइंसाफी तो हमारे यहाँ एक, अब हमारे पास इंसाफ है ही नहीं। जब तक आप ये बराबरी नहीं लाएंगे ना, इक्वालिटी, के थाने में अगर एक गरीब किसान जाए, मजदूर जाए, उसको भी कुर्सी दी जाए, और एक कोई बड़ा सियासतदान जाए, उसको भी कुर्सी देकर इज्जत से बिठाकर उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, और एक खातून जाए, उसको भी अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत से नज़र से देखो। अगर ये सिस्टम बेहतर हो गए, इक्वालिटी हम ले आए ना, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतर तरीके से कि ये मुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता लगारी साहब, अगर आप आपके अंदर विल है, करने का जज्बा है। मेरा ख्याल होता है कि एक सिस्टम होता है और सिस्टम लोगों को पालता है, ऐसे लोगों, बिल्कुल। आपका तजुर्बा, मैं आपके तजुर्बे को सलाम पेश करती हूँ, आपका तजुर्बा ज़बरदस्त, मैं तो एक तालिबे हूँ। आप सही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर बेहतर हो जाए, एक सिस्टम आप बेहतर कर दें, उसके बाद आने वाली नस्लें भी आपको दुआएं देंगी। तो आप सिस्टम को बेहतर कर दें, सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं होने वाला, आपको अपनी क़यादत के साथ भी हटकर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। ये चीजें हैं, अगर आपने कर लिया आपको तो। पार्टी में कभी तनकीद का सामना करना पड़ा है, पार्टी ने कहा है कि ये आपने क्या कह दिया था? कभी नहीं, कभी नहीं लगारी साहब। अगर मुझे अपनी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, मैं आपको एक बता दूं, टाइम की कमी होगी, मैं जकात, उशर और रिलीजियस अफेयर की चेयरपर्सन रही 5 साल। इतना करप्शन है इस डिपार्टमेंट में, इतनी करप्शन है मजारों की चादरों में, अंदर उनके जो जाता जाए, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे थ्रेट्स आए, मुझे हर तरह के प्रेशर आए, पीर साहब तक लोग पहुंचे अंदर कि ये हमें इस तरह कर, उन्होंने कहा गो हैड, अगर इफ़ यू आर राइट तो तुम्हें मेरी इजाज़त है कि तुम, तो मैं तो उनको पता था सही पे जा रही हूँ, हक पे जा रही हूँ, मुझे तो क़यादत ने कभी। वक्त अब हमारे पास बड़ा कम रह गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत? देखिए जी, पीटीआई की गवर्नमेंट से तवक्कुआत अभी भी मैं रख रही हूँ, अभी भी रख रही हूँ, क्योंकि अभी 2 साल हैं, एक बच्चे को अभी यूँ समझे कि वो अभी पहियाँ पहियाँ चलना शुरू हुआ है, लेकिन
ये नहीं मैं कहूँगी कि अभी मजीद और मजीद टाइम, अब उनको अब प्रैक्टिकली अब वो कर दें। अगर जो सोच के इमरान खान आए थे और जिस वजह से उनको इतना बड़ा वोट बैंक मिला, वो सब कुछ है, उसके बाद अब अगर नहीं कर पाए, मेरी सबसे बड़ा शिकवा इमरान खान से आपके प्रोग्राम में यही है कि उन्होंने हमारे सिंध को इनको तवज्जो नहीं दी। हमारे कराची से कश्मीर तक हम अभी तक हम इत्तेहादी भी सफ़र कर रहे हैं, हमें भी नहीं। तो अगर जब तक ये नहीं करेंगे, कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, कराची हमारे सिंध का दिल है, इसको तवज्जो दें। अगर आपने कराची से कश्मीर तक सिंध को तवज्जो दे दी, इस तरफ आ गए आप, तो मैं समझूंगी कि आप कुछ करने लग गए हैं। अदरवाइज ठीक है, बहुत बिल्कुल अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अभी मैं ये पूछना सिर्फ चाह रही थी कि आप इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं, आप समझते हैं कि जो कर रही हैं ये वो बिल्कुल सही करती हैं। गुजारना तो यहीं पे है ना। ठीक है, अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका नुसरत सर, थैंक यू सो मच, पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन लगारी साहब और मेरी तरफ से एक दफा फिर तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक, हमें इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।